क्लियर। तो हमने क्या किया, गोदरेज कंपनी को 1,00,000 रुपए 1,50,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट दिया, तो हमने एसबीआई का दिया और उसमें कमीशन काटा 300 रुपए, तो गोदरेज कंपनी के सामने 1,50,000 लिख दिए, वो पुराने बिल थे वो एडजस्ट कर दिए और बैंक चार्जेस काट दिया कितने का, 300 रुपए का। इस तरीके से हमारा जो एंट्री सेव हो गई। फिर अगली तारीख को आया 13 में, क्या आया 13 में, 2,00,000 रुपए 2,00,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नगद जमा किए। नगद जमा करने पर आपको अच्छे से पता है कि बैंक बटा कैश होता है। ओके, अगली तारीख देखते हैं 14 में, सिल्वर एजेंसी को 9,700 का माल बेचा, किसको बेचा है, सिल्वर एजेंसी को बेचा है कितने का, 9,700। ओके, F2 दबाया। फिर अगला है जेनेटसन से 50,000 रुपए का भुगतान चेक से प्राप्त हुआ, जिसे एक्सिस बैंक में जमा कर दिया, किससे प्राप्त हुआ है जेनेट, कितने का प्राप्त हुआ है, 50,000। जे भी एडजस्ट हो गए, जे भी अब गड़बड़ है, क्या हुआ फिर से देखिए, जेनेटसन से क्या हुआ है, भुगतान चेक से प्राप्त हुआ जिसे एक्सिस बैंक में जमा किया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है जेनेटसन, लेकिन 50,000 रुपए एडजस्ट, ये डीआरडीआर ओके। कितना हो गया, 85,000 नहीं हुआ, 28, बाकी न्यू रेफरेंस में डाल दो, ठीक है। क्या क्या कर दिया हमने, देखो 9,000 रुपए हमें काय के देना थे, उसके एक बिल के देना थे, 28,300 भी देना थे, लेकिन उसने पैसे ज्यादा दे दिए, तो उसके हमने या तो न्यू रेफरेंस या एडवांस में डाल दो, सब काय में डाल दोगे ज्यादा अच्छा है, एडवांस में डाल दो, काय में डाल दो, प्राप्त हुए ना, एडवांस में डाल दो, तो चलो डन। फिर अगली एंट्री क्या आ गई 16 में, क्या आ गया भैया, रिलायबल मूवर से नगद प्राप्त हुए, नगद की तो कोई दिक्कत नहीं है, कितने प्राप्त हुए, 20,000 रुपए। फिर एफ टू दबाया, फिर क्या लिखा है, जून माह में खराब हुए माल को गोदरेज कंपनी को वापस किया, तुमने अच्छा ये आगे बढ़ गए हम, हाँ तो अपने पास पता ही है, पेमेंट में चुका दे भैया, कैसे चुकाओ है, नगद ही दए है, कितने दए है, 1,500 कहाँ है इलेक्ट्रिसिटी बिल, 1,500। फिर अप्रैल में अगली डेट में क्या है, जून माह में खराब हुए माल को गोदरेज कंपनी को वापस किया, तो जून माह में कितने का हुआ था, 8,000 का खराब हुआ था, तो हमने एंट्री कहां करी थी, जून माह की, देख लो पहले, ऐसे तो नहीं डबल एंट्री, हम ये भी देखना पड़ेगा कि जून माह में कहां हुआ, तो या तो नरेशन देखो उसका, देखो माल खराब हो गया तो हमने क्या किया था, परचेस में डाल दिया था, काय में डाल दिया था, तो वो लॉस्ट हमने क्या करेंगे, फिर हम वापस कर देंगे, ठीक है, जो हानि है उस एंट्री को हम काय में रिवर्स कर देंगे, वो घाटा किसको दे दिया, चूंकि एंट्री तो हम कर ही चुके थे, वापस किया है, कैसे कर दोगे, गोदरेज जून माह में खराब हुए माल को गोदरेज कंपनी को वापस किया, तो हमने क्या किया था, देखो जो एक्सपेंसेस था वो हानि में बदल दिया था, हमने गुड्स लॉस्ट बनाया था, तो यहां लिखा जाएगा गोदरेज क्या किया जाएगा, 8,000, और यहां पर यही से कर दो 8,000, और 2 कर दोगे कितना, गुड्स लॉस करके बनाया था आपने, तो गुड्स लॉस हमारा क्या हो जाएगा, देखो इसके पहले हमने क्या किया था, बाय गुड्स लॉस 2 परचेज, तो परचेज तो कम हो गया था, अब चूंकि हमने क्या कर दिया, वो एंट्री आप एडजस्ट कर दी, तो हमारा हानि कहां हुई थी, गुड लॉस में हुई थी, तो वो हानि किसको दे दी हमने,
तो हानि हानि कट के जीरो हो गया, केवल एक एंट्री बची, कौन सी? गोदरेज बाय परचेज। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंट्री आपको करनी होगी। फिर अगला लिखा है दीपक से बिरधन लाखो छह माह का दिया। अब दीपक से का देख लो भैया, दीपक की क्या बात है, 50,000। दीपक सिंह का कितना? 50,000। कौन कौन से महीने? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 50,000 का भागित गए 100 गुण 750 गुण गए 6 कितना? 4,500। क्या करोगे? 4,500 कैसे करोगे? कैंटी करी थी कौन सा इंटरेस्ट क्या बनाया था अपन ने? बनाया था ना इंटरेस्ट कुछ ऐसा कुछ करके बनाया था ना, जे बनाया था। क्या बनाया था? इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड लोन। कितना लिखोगे? 2,250 तो जे हो गए, और अभी कितना निकला है? 4,500 रुपए किसके खाते में? दीपक के खाते में जे हो गई है कैंट्री। अब इसका इनने क्या कर दिया है? एसबीआई से भुगतान कर दिया। तो स्टेट बैंक और दीपक से कितना? 4,500 रुपए एक एंट्री। 50,000 जो कहते हो फिर बचा पैसा उनका। फिर आया इंडिया टुडे वार्षिक फीस का भुगतान नगद किया। ठीक है, तो अपन तो क्या बना देंगे? इंडिया टुडे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वार्षिक फीस, जो भी कुछ भी लिखने हो लिख दे। नगद किया है ना इंडिया टुडे, कितना? 2,000 रुपए। ठीक है, तो यहां तक का यू